नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं E7 लाइव टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे सुर्खियों में बने हुए हैं। वे हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो लगातार सक्रिय रहे हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस समय लगातार एक एक करके उनके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ वे एक महिला से बातचीत करते सुने जा सकते हैं। हालांकि हम और हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करते कि यह ऑडियो उन्हीं का है, लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि एक महिला के द्वारा लगातार उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उस महिला के द्वारा क्या कुछ बातें हो रही हैं। लोकेशन गांधी चौक कंट्रोल राजा टीपी कॉम्प्लेक्स। बताओ अब तुम। हेलो, सफाई तुम ले रही हो तो मैं क्या करूं? तुम ये बताओ, तुमने लिखा, तुम मैंने लिख दिया तुम्हारी फोटो पे गुड, तो इसका क्या मतलब है? तुम लिख रहे हो याद आया कुछ, इसका क्या मतलब है? क्या बोल रहे? क्या याद दिलाना चाह रहे हो? मैं भी तो जान लूं, याद आया कुछ, क्या बोल रहे हो? मैंने लिख दिया तुम्हारी फोटो पे मैंने लिख दिया कि नहीं, तो फिर ये क्या मतलब है यार? याद आया कुछ, तुम्हारी फोटो में मैंने गुड लिख दिया तो क्या याद आया मेरे को? मैंने मना किया क्या? है ज्यादा मैंने तुम्हें कभी चरित्रहीन कहा क्या? मैंने तुम्हें चरित्रहीन कहा क्या? जरूरी नहीं होता कुछ बात। तो भैया मैंने कौन सा कहा कि तुमने मेरा रेप कर दिया है? बोला क्या मैंने? है तुम कुछ भी बोल रहे हो? तुमने कभी, देखो जबरदस्ती की बात मत करो, तुम ये बताओ कि उसमें क्या देखा, तुम क्या लिख रहे हो उसमें? गलती वाली बात नहीं है। मैंने कब चरित्रहीन, तुम ऐसा क्यों बोला तुमने? मैं कब चरित्रहीन कहा मैंने तुमको? तुम फोटो तुमने खींच के डाली, तुम मैंने लिख दिया गुड तो तुम बोल रहे हो याद आया कुछ। है मैं तुम्हारे होटल तो नहीं गया, मैं तुम्हारे रूम तो नहीं गया? मुझे नहीं पता था, कुछ अच्छी चीजें बताने के मुझे इतना सुनना। क्या बताने था तुम्हें? अच्छा तुम याद आया कुछ बोल रहे हो तुम उसमें, ये कौन सी बात होती? ठीक है चलिए, माफी मांगा ना, गलती हो गई ना, इससे क्या और कुछ कहवाना चाहते हैं तो कहो। वो भी मुझे और कुछ नहीं कहलवाना है तुमसे, कुछ नहीं कहलवाना है तुमसे। बताओ क्या कहना है तुम्हें? कहाँ से सुन ले यार तुम चरित्र। देखो चरित्रहीन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि तुम कुछ भी करो कुछ, चरित्र का मतलब ये भी होता है कि भाई जो सामाजिक नियम मर्यादाएं होती हैं उनका पालन करो, समझ लो। अरे फिर वही बात, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ में है, पर तुम थोड़ा सा सोचो विचारो, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ना यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं एक ही परिवार अपना देख लूं वही बहुत है, ठीक है? मेरी सुबह 10 से रात 10 की नौकरी रहती है। तो करिए ना अपनी नौकरी, करिए परिवार। देखिए मैं कुछ मना करती हूँ आपको या टोकती हूँ रोकती हूँ कुछ बोलती हूँ तो मैं परिवार देखूं तो फिर तुम क्यों घुस रहे हो फिर बीच में? तो मैं कहाँ घुस रही हूँ? तो नहीं घुस रहे हो तो कोई बात नहीं, बहुत किसी का हाथ पकड़ के उसको निकाल रही हूँ या मुझे कोई अधिकार है ऐसा कुछ करती हूँ क्या मैं? नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? तो रही बस शादी कर लेते हैं। अरे फिर वही बात,
क्यों कर लूं शादी भाई, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, माँ बाप है मेरे, उनको समय दूंगा जो मुझे बचेगा थोड़ा बहुत, तुमसे मैं क्यों शादी करूं? मुझसे नहीं करता, नहीं करता हूं। तो मेरे लिए एक दोस्त हो सकते हो, मेरे जीवन साथी नहीं हो सकते। जीवन साथी जिसको बनना था बन गया, दोस्त बन के रह लेते तो रहो ना, दोस्त बनने में क्या दिक्कत है? तो दोस्त बनने के लिए शादी करने की कौन सी जरूरत है? अरे हम सब समझ रहे हैं, दुनियादारी नहीं चाहिए तो करो ना, दोस्त हैं तो दोस्त, तो फिर खत्म कहानी, फिर काहे को जिद्दी आ रहे हो शादी करनी है, रिलेशन में रहना है, ये है वो है। तो नहीं, मुझे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हें कैसे, तुमको अपने उसमें रख लूं मैं, बताओ मेरे नाम से कहाँ रख रहे आओगे तुम? ऐसे थोड़ी होता है यार, मेरे नाम से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? अरे सोनू वोनू नहीं यार, देखो नाजायज फायदा मत उठाओ मेरी अच्छाई का, जितना बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। प्यार करते हो मैं मानता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ मैं इस बात के लिए, ठीक है? ऐसे नहीं होता यार, मैं प्यार करती हूँ तुम मुझसे शादी करो तुम, ये देखो मेरी बात, सब चीजें तुमको पता नहीं यार, तुम्हारे पास इतना इतनी दिमागदार हो, पढ़ी लिखी हो, सारी चीजें हैं, तो कैसे ऐसी बातें कर सकते हो यार? मैं तो इसमें परेशान हूँ। अरे तुम मना लो, मुझे नहीं चाहिए तुम यार, मुझे नहीं फिजिकल अट्रैक्शन तुम पे, मुझे नहीं चाहिए। दुनिया गुड़िया दुनिया है क्या, गुड़िया दुनिया है क्या, दुनिया जहान में रहना है मुझे? मेरी उम्र चली गई भाई, शादी है विवाह और ये सब, 12 साल की शादी हो गई, मेरे दो दो बच्चे हैं मेरे, मैं क्या है बुढ़ापे में क्या कर रहा हूँ मैं ये? अरे भैया 32, हाँ तो 32 साल में बूढ़ा हो गया, मेरी 21 साल 22 साल में शादी हो गई थी मेरी। तो ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं मुझे फर्क पड़ता है, मैं नहीं कर सकता ये दो दो का चार चार का लफड़ा, मैं क्यों करूँ शादी तुमसे, ये तो बता दो। दोस्त हो मेरी, दोस्त बन के रह सकते हो तो, हाँ तो दोस्त हो तुम बस, फिजिकली कोई नीड नहीं होगी, फिर मैं फिजिकली बोल देता हूँ तुम नाराज हो जाते हो, फिजिकली मैं वो सब चीजें तुम अपने दिमाग से निकाल लो कि मैं शहर में जहाँ रहो तो मैं रखूं, और ये सब चीजें नहीं हो पाएगी मेरे से। तुम जा तो प्लीज मेरा सर दर्द ना चालू करवा देना, बस बताओ पूछ लो। अगर मैंने क्या मना ना किया होता, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ कि तुमने मना कर दिया? क्या मैं तुम्हारे कमरे में गया ये बताओ तुम मुझे, क्या मैं तुम्हारे कमरे में गया? नहीं तो फिर क्या मना कर दिया तुमने? यही कह रही थी, मान लीजिए गाड़ी में हम रहे होते, और गाड़ी में मैंने जबरदस्ती कर की होती, अब से तब आप क्या करते? मुझसे जबरदस्ती तुम करते तो मैं क्या कर लेता तुम्हारा? अरे नहीं कर लेता तो मैं क्या शादी करता? मैं मर जाता पर नहीं करता। तुमने नहीं की, तुम पवित्र हो, तुम अच्छी लड़की हो मैं जानता हूँ, पर उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। देखो मैं झूठ और फरेब की बुनियाद पर रखा हुआ कोई रिश्ता कभी सक्सेस नहीं होता, रिश्ते प्रेम के होते हैं। मैंने, मुझे विश्वास था तब ना मैंने तुम्हें बाहर बुला के समझाया, मैं होटल में भी तो रिसेप्शन में भी बैठ के समझा सकता था, पर मैंने कहा कि भाई लोग क्या सोचेंगे, किस से मिलने आया है, क्या कैसा, इसलिए ना मैंने तुम्हें बाहर बुलाया, गाड़ी में बैठाया। अगर शोना में फिजिकल हो गया तो भी आप नहीं करते? फिजिकल हो कैसे जाते तुम, जबरदस्ती की बातें कर रहे हो तुम, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम शादी के पहले फिजिकल होने की सोच रहे हो, तुम ऐसी शादी कर रहे हो, तुम चरित्र बता रहे हो मेरे को, तुम ऐसे फिजिकल हो सकते हो? तुम पहले ये बताओ, शादी के पहले तुम फिजिकल होने का सोच सकते हो? बताओ सोच सकते हो क्या, सोच सकते हो क्या? अगर मैंने सोचा होता तो बात ही अलग होती, लेकिन ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। तो नहीं सोचा, जब शादी के पहले फिजिकल का नहीं सोचा तो अब क्यों सोच रहे हो? तो वही अब छोटी छोटी बातें, तो फिजिकल क्या? अरे यार फिर वही बात, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर लेते तो मैं ऐसे, मैं कोई लड़की किसी लड़के के साथ में जबरदस्ती कर लेगी शादी, कर लेगी वो भी शादी शुदा आदमी से? कहां से तुमको आते हैं आइडियाज, ये तो बता दो मुझे तुम।
कौन तुम्हें ज्ञान देता है ये बता दो अब छोटी छोटी बातें दिमाग में आती है, क्या ऐसा हो यार। गया था तो ऐसा हो जाता, मेरी क्या बात ऐसा सुन लो, करते तुम तो बस। एक अच्छा दोस्त मत खो तुम अपने दीवानेपन में। जितना समय मैं तुम्हें दे देता हूँ इस तरह से बातें करने के लिए, उतना मैं किसी को नहीं दे पाता। मैं खुद अपने घर पे बात नहीं कर पाता। अभी भी मेरी सब ड्यूटी कर रहे हैं चार लोग बैठ करके। अभी हम लोग इतनी हार्ड ड्यूटी खड़े खड़े परेशान होकर के बैठे, पर चूंकि तुम परेशान हो, तुम्हारे पास बहुत मानसिक दबाव है, इसलिए मैं तुम्हें समय दे देता हूँ। मेरी बातों से कम तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तुम ये क्यों सोचती हो फिजिकल हो जाती तो ये होता वो होता? तुमने सोचा है कि शादी के पहले मैं कभी फिजिकल होंगी? सोचा कभी? कभी सोचा ही नहीं था किसी के बारे में, तो फिजिकल होने तो बहुत हाँ, दूर तो की बात थी। फिर फिजिकल से क्या मतलब? दोस्ती है, किसी को पसंद करते हो तो फिजिकल होना जरूरी है क्या? तुम देखो मेरी बात, तुम जैसी हो उसी तरह पवित्र बने रहो और इसको पवित्र रिश्ते के रूप में स्वीकार करो। तुम एक दोस्त भी अच्छा रिश्ता होता है, विश्वास करो मेरा। जीवन भर हम लोग सब टच में रहेंगे, पूरी फैमिली टच में रहेंगी। दीवानापन छोड़ दो, दीवानापन छोड़ दो। झूठ और फरेब की बुनियाद पे कोई रिश्ता खड़ा नहीं होता, विश्वास करो मेरा, ऐसे नहीं होता। प्लीज मेरे ऊपर रहम करो, मैं बीमार हो रहा हूँ धीरे धीरे। अरे यार मैं बचा ही रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी, तभी बात कर रहा हूँ। नहीं तो देखो, तुम कोई भी चीज होगी, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, वो चीजें नहीं हो पाएंगी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, फालतू में दोस्ती भी जाएगी हमारी इस पचड़े में। मेरी आवाज भी कभी नहीं सुन पाओगे तुम। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? जैसे कि इसका कोई हल मुझे दिख मैं नहीं हल दे रहा हूँ। तुम अच्छा सा लड़का देखो, शादी करो, अपन बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड रहेंगे। क्या दिक्कत है तुमको? क्या तुमको जब आना हो तब आओ मेरे यहाँ, मेरी फैमिली से तुमको तो गुड़िया से भी बात हो गई है तुम्हारी है? नहीं, आप जो मुझे कहते हैं शादी करने के लिए, तो ये मुझे बताइए कि जब शादी करेगा किसी के साथ कोई भी, तो वो भी चाहेगा ना कि हम मेरे साथ रहे, प्यार करे, सब कुछ करे। तो करो ना उसको प्यार, क्या दिक्कत है? मैं भी तो अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ, दुनिया भर को करता हूँ, क्या दिक्कत है? लेकिन जो चीज मेरे से हो गई नहीं, मैं नहीं करता। प्यार का मतलब ये फिजिकली थोड़ी होता है भाई। और फिर होगा ही नहीं, धीरे धीरे जब तुम्हारा साथी बनेगा सारी चीजें होंगी। अभी तुम्हें लग रहा है ये चीज, साथ में रहोगे तुम लोग। मैं कौन हूँ? मैं एक सपना हूँ, मेरी बात समझो तुम। एक सपने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं एक सपना हूँ, मैं किसी और का हूँ, मेरे दो दो बच्चे हैं, और जैसा फोटो फेसबुक में दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ मैं, समझ रहे हो? जैसा मैं लोगों को दिखाता हूँ, ये जो भी आदमी दिखाता है उसके डार्क साइड भी होते हैं, समझ रहे हो? अरे हाँ, अब तुम बोलोगे कि तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। बोलो बोलो, मुझे कह रहे हैं, सच बता रहा हूँ। तुम मेरी खूबियों से वाकिफ हो, खामियों से वाकिफ नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, खूबियां खामियां सब में होती हैं। तुम लेट हो, तुम्हें गुड़िया ने भी तो समझाया। तुम ये बताओ, तुम्हें एक दोस्त नहीं चाहिए तुम्हें मेरे जैसा, ये बताओ। तुम मैं दोस्त के रूप में नहीं चाहिए तुम्हें? तुम नहीं चाहते हो मुझसे डेली तुम्हारी बात हो? बताओ, नहीं चाहते हो क्या? हम हमेशा टच में रहे नहीं चाहते हो? नहीं चाहते हो? तुमको ये दिमाग किसने दिया उसका नाम मुझे बता दो, कि तुम अगर फिजिकल हो जाते या तो कुछ फिजिकल अटैक करते तो तुम पा लेते। ये किसने दिमाग दिया तुमको, उसका नाम बता दो मुझे बस। मुझे पता है वैसे, पर तुम्हारे मुंह से सुन लूं मैं। मुझे पता है कि ये तुमसे किसने बोला है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि दिमाग कौन तुमको दे रहा है। अभी तुम ये भी नहीं बताओगे? नहीं, किसी ने। तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो तुम, मैं क्या बोलूं तुम्हें? ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, सपने जैसी बातें मत करो। हमारे बीच की पवित्रता जो है वो बनी रहने दो, समझ रहे हो? दोस्ती से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता, विश्वास करो।
पति पत्नी भी लड़ते झगड़ते हैं, मर जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, पर दोस्त दोस्त ही रहते हैं हमेशा। तो मैं तो इस रिश्ते के साथ भी जीने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्ती है ना हमारी, बस हो गया वो रहना, और फिजिकल हटा दो। फिजिकल हटा दीजिए, नहीं चाहिए। हाँ तो फिजिकल हटा दो बस, तो रहना भी हटाओ, रहने में क्या है। तो तुम जिस तो जब फिजिकल हट गया तो कोई बात ही नहीं है, तुम शादी करो और तुम अपनी फैमिली में खुश रहो। जब तुमको मुझे देखना हो, रहना हो, मेरे मुझसे बात करनी हो, हमारी फैमिली साथ में रहेंगी, साथ में घूमेंगे। तुम जब जाना कुल्लू मनाली तो हम लोगों को भी लिए जाना, हमारे पास पैसे नहीं इतना घूमने के लिए। ठीक है, सुनो एक बात कहूं। तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती तो मैं क्या करूं, बताओ। वो गुड़िया बोल रही थी ना तो मुझे बहुत खराब लग रहा था, लेकिन मैं एक चीज अपने मन से कहूँ, जिंदगी में कभी भी, मैं ऐसा नहीं, आप कुछ और मत सोचे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आपको जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम होगी तो आपको मेरी कसम, आप सबसे पहले मुझसे कहेंगे। हाँ पर उसके लिए दोस्ती तो बनी रहे तब तो है, तुमको दोहरे पड़ते हैं। अच्छा रिश्ता रखो, विश्वास करो, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, समझ रहे हो। ये सब फालतू की बातें करने में, सपने देखने में, मनगढ़ंत बातें करने में, फिर कोई वो छोड़ी, पहले वो छोड़ी, मैं जो कह रही हूँ सुनिए। हाँ। आपको कभी भी पैसे की जरूरत होगी आप किसी से नहीं कहेंगे, भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े, आप इतना कमाए, इतनी कामयाबी आपको मिले, कभी आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन मेरी कसम है आपको, कभी आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी आप सबसे पहले मुझसे कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। हाँ ठीक है, जिस तरह से गुड़िया ने उस दिन बताया उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा, बहुत खराब लगा, मुझे खराब लगा, तुमसे ज्यादा मुझे खराब लगा। मैं वो चीजें उसको याद नहीं दिलाना चाहता था, हाँ। मैं वो चीजें उसको याद नहीं दिलाना चाहता था। हम लोग कितने कैसे समय से ऊपर उठे हम लोग जानते हैं, अभी भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं हम लोगों के। ठीक है, तो वो उसने जो बोला है तो उसने कुछ गलत नहीं बोला है, उसने ठीक बोला है। और लास्ट में कुछ भी हो, भले उसने गुस्सा किया, पर लास्ट में तुमसे कितनी सिंपैथी के साथ बात की उसने, ये बताओ मुझे। क्योंकि मैं भी कह रही थी शोन, मैं ऐसा क्यों बोलता, क्या मैं उसे, उसने तो मुझे कहा किसी के पति, किसी के पति, किसी के पति के बारे में तुम ऐसा बोलोगे, उससे उसका हिस्सा मांगोगे, कोई नहीं स्वीकार करेगा। उसने तो बहुत धैर्य के साथ तुम्हें बातें की तुमसे। मैंने किया इसलिए किया, वो मत आप कहिए, अगर उसने गाली दिया, अगर मैं भी गाली देती, मैं बदतमीजी करती, तो उसका धैर्य आप भी देख लेते। गलती तो तुम्हारी ना है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उसकी जगह में तुम होते तो क्या करते बताओ। मैंने सुना ना, गाली दिया तो मैंने उसे सुना ही है। चलो ठीक है, चलो एसपी साहब आ रहे हैं, बत्ती जल रही है, मैं रख रहा हूँ। थोड़ी और।